उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। रामनगर में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। लगातार बारिश के चलते रामनगर के कालू सिद्ध स्थित कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर चार मजदूर फंस गए। टापू पर फंसे मजदूरों के शोर शराबे को सुनकर टापू के किनारे रह रहे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग और पुलिस कर्मचारियों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद टापू पर फंसे चारों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं टापू पर फंसे वृद्ध मजदूर दयाल शरण ने बताया कि कोसी नदी में चाय की दुकान चलाता है। आज भी वो हर रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी तीन मजदूर भी दुकान पर चाय पीने आ गए। इसके बाद हुई तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद नदी में पानी बढ़ने लगा, जिसके कारण वो चारों टापू में फंस गए। नदी में सब दुकान है मेरी, चाय पीने की। तीन जने और थे, निकल गए सब। बारिश हो रही थी, हम दुकान में चाय पानी पीने आ रहे थे, तो हम बैठे रहे। बारिश अधिक बारिश होती रही, बाढ़ आ रही है, पानी बहुत आ गया। चालक दयाधर ध्यानी है जी। मैं सर फायर स्टेशन रामनगर से हूँ। एक घटना सूचना हमारे पास आई थी कि टापू में चार लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जाना है। पानी काफ़ी बढ़ चुका था, हमारी यूनिट यहाँ पे पहुँची और तत्काल हमने एक रेस्क्यू करा। एक तरफ से हमने रस्सी फेंक के इन चारों लोगों को सकुशल बाहर निकाला। फिलहाल प्रशासन द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है कि आज ही लगातार बारिश से नदी नाले जहां एक ओर उफान पर हैं, तो वहीं कोसी नदी में भी पानी काफी बढ़ गया है। ऐसे में कोई भी लापरवाही न बरते। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामनगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।